जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। जया प्रदा के बारे में बात कर रही हूँ मैं, जो इस बार फिर से रामपुर से ताल ठोकते हुए नजर आई थी आज़म खान के खिलाफ, लेकिन इस बार शायद उनको हार नसीब होनी थी और वो इस सीट से चुनाव हार गई। लेकिन इससे पहले वो इस सीट से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन इस बार शायद मोदी लहर में उनका नाम जो है शायद जनता के जहन में नहीं उतर पाया। खैर, जया प्रदा अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में शामिल हुई और जहां पर वो रो पड़ी, मुलायम सिंह का जिक्र किया उन्होंने, अमर सिंह को अपना सबसे बेहतर हमदर्द बताया, साथ ही साथ आज़म खान की धज्जियाँ भी उड़ा दी। इशारों इशारों में बहुत कुछ बोला जया प्रदा ने, मैं बताती हूँ आपको। लेकिन उससे पहले बताती हूँ आपको आज़म खान के उस बयान को, जो कि शायद उनसे उम्मीद नहीं की जाती थी, जो उन्होंने एक महिला के खिलाफ बोल दिया। उनके घर में भी महिलाएं होंगी। सियासत ऐसी हो गई है हमारे देश में कि लोग सियासत सत्ता और लालच और पैसों की या पावर की बात करें, इतने उसमें अंधे हो जाते हैं कि वो महिला की इज्जत की धज्जियां तक उड़ा देते हैं। आज़म खान ने जो बयान दिया था वो वाकई बहुत ही गंदा बयान था। आप सियासत करिए, आपको मना नहीं किया किसी ने, लेकिन आप कम से कम महिला की इज्जत तो रखिए। आप खुद महिला की, आप इतने वरिष्ठ नेता होते हुए एक महिला की इज्जत को सरेआम इस तरह से कहीं ना कहीं जो है नीलाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सरेआम इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? कहा था आज़म खान ने कि जिसको उंगली पकड़कर रामपुर लाए, आपने 10 साल जिनसे प्रतिनिधित्व कराया, जयप्रदा के बारे में कह रहे थे, उसकी असलियत समझने में आपको 17 साल लग गए। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनका इनरवियर खाकी रंग का है। ये बयान था आज़म खान का। सोचिए, चुनाव आयोग ने इनके खिलाफ एक्शन भी लिया था, लेकिन क्या हुआ? मतलब इतनी जीतने की तमन्ना थी, अगर आपने अच्छा काम किया था आज़म जी, तो फिर आपने वहाँ पर इतना गंदा बयान किसी महिला के खिलाफ क्यों दे दिया? जयप्रदा वहाँ से खड़ी हो गई तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा था? क्योंकि जयप्रदा अमर सिंह से ज़्यादा नज़दीकी है उनकी, वो दोनों अच्छे दोस्त बताए जाते हैं, और अमर सिंह और आज़म खान के बीच 36 का आंकड़ा कहा जाता है। मुलायम सिंह की दो आंखें हुआ करती थी एक वक्त, एक थे आज़म खान और अमर सिंह। अमर सिंह बहुत बेहतरीन हमदर्द, बहुत अच्छे दोस्त थे मुलायम सिंह के, लेकिन वो वक्त, वो समय बदला और मुलायम सिंह ने अमर सिंह को निष्कासित कर दिया पार्टी से। किसी को पता नहीं था कि इतनी जल्दी दोस्ती जो है कड़वाहट में बदल जाएगी, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। आज तक वो दुश्मनी की राह चलती आ रही है। जयप्रदा जो समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ी थी, सांसद बनी थी रामपुर सीट से, तब उस वक्त अमर सिंह और मुलायम सिंह के जो रिश्ते थे बहुत अच्छे थे, लेकिन आज़म खान को ये बात रास नहीं आती थी। बहुत पुराना इतिहास रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बात अब तक बदस्तूर जारी है। जया प्रदा के बारे में इतनी गंदी उन्होंने टिप्पणी की आज़म खान ने, और अब जया प्रदा जिस कार्यक्रम में शामिल हुई, उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव एक जंग की तरह था। जया प्रदा ने बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए जो अभी हाल ही में कार्यक्रम हुआ। उन्होंने चुनाव से लेकर परिणाम तक के सफर के बारे में बात की। आज़म खान द्वारा व्यक्तिगत टिप्पणी पर भी उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने कहा, 2019 में रामपुर से मैंने चुनाव लड़ा, जिस व्यक्ति को मैंने भाई कहा उस व्यक्ति ने मेरे ही ऊपर टिप्पणी कर दी, फिर भी रामपुर की जनता ने उसको जिता दिया। आज़म खान के बारे में कह रही हैं। इस पर जयप्रदा ने कहा, मतलब उनसे सवाल पूछा गया था, तो इस पर जयप्रदा ने कहा, मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की, ये मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन लोग ये बात समझ नहीं पाए। लोगों ने ऐसे लोगों को चुना है जो महिलाओं के लिए ऐसी गंदी टिप्पणी करते हैं। आज़म खान के बाद उसके बेटे पर भी जयप्रदा ने व्यक्तिगत टिप्पणी की। बेटे ने भी, आज़म खान के बेटे ने भी जयप्रदा पर पर्सनल कमेंट किए थे। जयप्रदा ने से जब ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, मैं समाज से पूछना चाहती हूँ, समाज किधर जा रहा है? मैंने हमेशा महिला सुरक्षा की बात की है, लेकिन ये लोग हमेशा महिलाओं के विरोध में रहे हैं। क्योंकि आज़म खान नहीं, उनके बेटे जो हैं अब्दुल्ला, उन्होंने भी जयप्रदा के खिलाफ जो है बहुत ही गलत बयान दिया था। अब जयप्रदा ने एक अपनी ज़िंदगी का एक वाक्य सुनाया कि उनसे पूछा गया, जब आप एक बार आत्महत्या करने की सोच रही थी, तो मुलायम सिंह ने आपको फ़ोन तक नहीं किया। तब जयप्रदा ने सवाल का जवाब दिया, लेकिन जवाब देने के बीच में वो रो पड़ी। समाजवादी पार्टी के नेता ने हमें दरकिनार कर दिया, यह जयप्रदा का गम है। जब मेरी तस्वीर को रामपुर में घुमाया, मैंने सभी से मदद मांगी, लेकिन सपा के किसी भी नेता ने मुझे मदद नहीं दी, लेकिन मुझे अमर सिंह ने बचाया, मेरी सहायता की। रात के 3 बजे मुलायम सिंह को मैंने फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने सहायता नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उसी तरह से एक यूथ में भी एक लड़की को नेता होना चाहिए जो महिला सुरक्षा की बात करे और महिला हित को आगे बढ़ाए। यानी कुल मिलाकर जयप्रदा ने एक बार फिर से आज़म खान को निशाने पर लिया और मुलायम सिंह के लिए अपना दर्द बयां किया और अमर सिंह को अपना सच्चा हमदर्द बताया।
ظاہر سی بات ہے اعظم خان اور جیا پردا کے بیچ جو لڑائی ہے وہ لڑائی آگے بھی تھمنے والی نہیں ہے. اعظم خان کو لگتا ہے رامپور ان کی سیٹ ہے, وہاں پر کوئی باہر سے آ گیا تو وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سیٹ سے بھگا کر رہیں گے. لیکن پھر بھی دیکھے اعظم خان نے اس بار لوک سبھا کا چناؤ لڑا جبکہ وہ ودھائک تھے, اب وہ سیٹ خالی ہو گئی ہے, اس پر پھر سے الیکشن ہوں گے ودھائک کے, اب ایسے میں سانسد بن گئے ہیں. لیکن جس طرح سے ٹپڑی کی اعظم خان نے, اکھلیش یادو نے اعظم خان کا سپورٹ کیا کہ وہ کہہ رہے کہ نہیں اعظم خان نے گندی ٹپڑی جیا پردا کے خلاف نہیں بلکہ آر ایس ایس کے خلاف کی تھی. سوچیے نیتا ہی نیتا کے سپورٹ کر رہے ہیں اتنی گندی باتوں پر, اتنے گندے بیانوں پر, کم سے کم ایکشن کم سے کم پھٹکارنا تو چاہیے. لیکن نہیں, اعظم خان خود کو بہت ورشٹھ بولتے ہیں لیکن ان کے بیانوں کی اگر فہرست دیکھی جائے تو وہ صرف بیتو کی باتیں لگتی ہیں اور کچھ نہیں لگتی ہیں, کیونکہ جس طرح سے بیتو کا بیان دیتے ہیں وہ تو بالکل ہی سمجھ سے پرے ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے راجنیتی ہے, آپ کو آپ اس سیٹ کا پرتندھتو کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں, آپ کرتے رہیے, آپ کو منع کس نے کیا, سیاست کریے منع کس نے کیا, لیکن کم سے کم کسی مہیلا کی عزت پہ اس طرح سے وار مت کریے. سر عام کسی کی تصویروں کو اس طرح سے مت گھمائیے کہ آپ کو خود جب آپ اپنے اللہ کے سامنے جائیں تب کو شرمندہ ہونا پڑ جائے. یہ بھی مت سوچیں کیونکہ مہیلا تو مہیلا ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی قوم کی ہو, اور ایسے میں راجنیتی کا اتنا بھی لالچ مت کریے کہ آپ کسی بھی مہیلا کو اس طرح سے درد دے دیں, کیونکہ جب آہ لگتی ہے کسی کی تو انسان پھر برباد ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے راجنیتی ہے, ہر کوئی کسی پہ گندی گندی ٹپڑی کرتا ہے لگاتار, صرف بی جے پی کانگریس ساری پارٹی کے نیتا شامل ہیں, کیا سے کیا نہیں بول دیتے ایک دوسرے کو, لیکن کم سے مہیلاؤں کا سمان ہونا چاہیے, پروشوں کا بھی سمان ہونا چاہیے. لیکن اگر پروش ایک ورشٹھ پروش ایک ورشٹھ نیتا پارٹی کا اگر ایک مہیلا کے خلاف اس طرح کی گندی ٹپڑی کرے گا تو کہیں سے بھی نہ کہیں سے بھی کسی کو سویکار نہیں ہوگا, ناگوار گزرے گا اور اس پر بوال ضرور ہوگا. اور جیا پردا نے اعظم خان کی سماروہ میں جب شامل ہوئیں تو انہیں جم کر دھجیاں اڑا دیں اعظم خان کی, سب جم کر نشانہ ساتھ دیا, ملائم سنگھ کو لپیٹ لیا اور امر سنگھ کی جم کر تعریف کر دی. تو ایسے میں آپ فی الحال دیکھتے ہیں کہ جو جیا پردا کا بیان سامنے آیا ہے اس پہ اعظم خان بنا بولے تو رہ نہیں پائیں گے, ظاہر سی بات ہے ان سے سوال پوچھا جائے گا تو جواب تو دیں گے, جواب دینے کا انداز تو آپ جانتے ہیں کتنا شاعرانہ ہوتا ہے, کتنے پیار سے جواب دیتے ہیں اور پھر کٹاکش کر دیتے ہیں, یہ ان میں سب سے بڑی خوبی ہے. لیکن جس طرح سے بھی ہو لیکن اعظم خان سے بس شاید ہر کوئی یہی بات کہے گا, یا ایسے بیتکے نیتاؤں سے جو اس طرح کے اعظم خان کی طرح جو رویہ اپناتے ہیں ان کو سب یہی کہے گا ہر کوئی کہ راجنیتی کریے منع نہیں کیا ہے, کم سے کم کسی مہیلا کی عزت پر وار مت کریے. نمسکار.